सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। दिस इज़ पंकज चौधरी एंड यू वॉचिंग धन बाइकर पंकज यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज डेट है 14 जनवरी और आज मकर संक्रांति भी है, तो आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। और नए साल में ये मेरा पहला वीडियो है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। नए साल में आप जो चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, वो सब आपको मिले। और ये साल उम्मीद करते हैं कि 2021 जैसा ना हो, क्योंकि हम सबको पता है कि 2021 में क्या हुआ है। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है और बहुत ज़्यादा मतलब हमारे देश को भी इफ़ेक्ट हुआ है। तो वैसा इस साल ना हो ऐसा उम्मीद करते हैं, और इसी उम्मीद में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया था और मौसम भी ख़राब था इधर का, जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, बिहार में, औरंगाबाद में। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 14 तारीख है। तो आज हम आपको दिखाएंगे एक पार्क है यहाँ पर औरंगाबाद में, जो कि खुले हुए करीब 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। सुनने में आगे काफ़ी अच्छा पार्क है, तो उसको जाके देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे कि कैसा पार्क है और क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं फिर बाइक पे। तो फाइनली गाइस, हम लोग रोड पे निकल चुके हैं और अभी शाम के बज रहे हैं, 4:30 हो चुके हैं। और ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग है, पता नहीं साउंड क्वालिटी कैसी आ रही होगी, क्योंकि अभी मैंने इसमें माइक्रोफोन नहीं लगाया है। तो मे भी हो सकता है कि इसमें आप सबको थोड़ा वाइब्रेशन मिले, तो थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा। और बाकी जो भी रास्ते में मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो ये रास्ता है और मेरे जो आप राइट साइड देख रहे हैं, ये कॉलेज मोड़ है यहाँ पर, ये कॉलेज मोड़ है। भाई जी, अभी आप देख सकते हैं जो पुल है, उसको अदरी नदी भी बोलते हैं यहाँ पे। ये ब्रिज है, काफ़ी पहले ये सिर्फ वन वे था, इसी पे गाड़ी आती जाती थी। 4-5 साल हो चुके हैं इस ब्रिज के बने हुए, तो राइट साइड में। और अभी जो है वो यानी गांधी मैदान की तरफ जा रहे हैं। बिहार में मैक्सिमम आपको हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको गांधी मैदान में भी लाएगा। तो ये मछली मार्केट है यहाँ का, और आगे आपको मिलेगा औरंगाबाद का खाना। तो मेन खाना ये देखिए, अंदर में है गांधी मैदान, और अभी हम खाना की ओर जा रहे हैं। आगे खाना है, ये आपका पूरा मार्केट है जो आप देख पा रहे हैं रोड के साइड साइड। ये एक्चुअली औरंगाबाद का जो मार्केट है वो है खाना के पास का, एक और मार्केट है यहाँ पे। ये देखिए, ये औरंगाबाद थाना है मार्केट। तो और मार्केट है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो आवाज़ जैसा भी आ रहा होगा, प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। ये धर्मशाला है यहाँ पर, और यहाँ के लोग जो है तेज गाड़ी चलाते हैं, मतलब कहीं से भी कुछ भी दिखा देते हैं, किसी को मतलब नहीं है, मतलब कोई देखो इसको अभी कोई मतलब ही नहीं है, जैसे तैसे गाड़ी चलाया जा रहा है। तो गाइस, ये मार्केट है, आप देख सकते हैं, ये औरंगाबाद का मार्केट है। सारा कुछ यहाँ आपको जैसे नॉर्मली जो होता है मार्केट, कपड़ा वगैरह सारा कुछ, ये मेन मार्केट औरंगाबाद का। सामने आपको मस्जिद दिख रहा होगा, काफी पॉपुलेटेड है यहाँ पे, इतना ज़्यादा मार्केट दुकान है कि भाई चलने का रोड ही सही से नहीं बना हुआ यहाँ पे। अभी जिसकी मस्जिद है सामने, तो किस तरह का माहौल है इस मार्केट का आप तक देख सकते हैं। Thank you.
अगर आप लोग अगर उस तरह के भीड़ में गाड़ी चला लेंगे तो मतलब कहीं भी चला लेंगे। मैंने धनबाद में भी चलाया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर पुराना बाजार है बैंक मोड में, तो वहाँ भी इसी तरह क्राउड, उससे ज़्यादा ही क्राउड रहता है, तो काफ़ी चलाए हुए हमने वहाँ पर बाइक, तो वहाँ पर उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आप वहाँ पर भी चला लेंगे ना तो कहीं भी चला लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी एक और मार्केट में हम लोग आ चुके हैं, तो जो मार्केट आप देख रहे हैं ये, तो ये बड़ा मार्केट है इसके, जो मार्केट आपने पीछे देखा है अभी, और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है इस साइड में देख लीजिए, और जो मार्केट मैंने आपको दिखाया है अभी, ये जो मार्केट है काफ़ी बड़ा मार्केट है, और आगे रमेश चौक आएगा, आपको सामने फ्लैट दिख रहा होगा, तो ये रमेश चौक ही है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, आप देख सकते हैं, हमेशा इसका डर का यही हाल है, भीड़ कभी कम नहीं होता है। तो हम लोग आए जो है उसको पहुँचने वाले हैं, सामने फ्लैट भी आ चुका है सामने, और जो भी ड्राइव बाइक चलाते हैं ना, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप अपने कंट्रोल में अगर बाइक नहीं चलाओगे ना तो पक्का एक्सीडेंट होगा। तो कहते ये रमेश चौक है, ये देख लीजिए, अभी हम लोगों को सीधा जाना है मतलब राइट साइड, क्योंकि जो मैंने पार्क के बारे में आपको बताया था वो देखते हैं खुला भी है, और इधर जो दाने भी है बहुत कैंप भी भरी हुई, जिधर अभी हम जा रहे हैं। पूरा आपको बने रहेंगे वीडियो में, थोड़ा साउंड का इशू हो सकता है, बट अभी माइक्रोफोन हमने ऑर्डर किया हुआ है, एक्चुअली माइक्रोफोन आ चुका है लेकिन जो उससे जो कनेक्ट होता है ना अडेप्टर वो नहीं है, तो उसके कारण माइक्रोफोन भी नहीं लगाया मैंने, तो देखिए दो चार दिन में आ जाएगा, फिर बहुत ही अच्छे से मोटो ब्लॉग भी किया जाएगा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मोटो ब्लॉग का, तो थोड़ा आप लोग बताना कि क्या और कुछ सुधार सकते हैं। बाकी यही रोड देख लो यहाँ का बहुत ज़बरदस्त बन चुका है बिहार में रोड भी, और दो चार मॉल भी बहुत अच्छे यहाँ पर खुल चुके हैं, एटलीस्ट जो लोग यहाँ पर पहले मॉल के लिए तरक्के थे उनके लिए बहुत ही रोड देखो। आप तुम्हें बता रहा था कि अगर आप अपने कंट्रोल में बाइक नहीं चलाओगे तो पक्के एक्सीडेंट होगा, भले ही आपकी गलती ना हो लेकिन सामने वाला आपको मार के चला जाएगा, तो बी इन कंट्रोल, आप अपने कंट्रोल में चलाना, गति चलाओगे चाहे जो भी बाइक हो, क्योंकि वॉट एवर जब भी आप राइड करते हो तो आप अपने कंट्रोल में ही चलाए तो बेटर है। पानी भीगा की ओर जा रहे हैं, अगर आपको अनुग्रह नारायण रोड और इधर के लिए स्टेशन के लिए तो अगर बस वगैरह पकड़ना हो तो हम लोग जो बस है वो यहीं से पकड़ते हैं, और जहाँ पर होम का यूज़ हम लोग कर सकते हैं हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, बहुत ही होते हैं कि यार होम क्यों मारता है इतना, बट बेवजह होम नहीं मान रही सही बात है, लेकिन जब आपको लगे कि हॉर्न जरूरी है मारना है तो ज़रूर आपको मारो, क्योंकि बहुत लोग आदत होता है कि रोड से चलते चलते मोबाइल पे कान की तरफ मोबाइल लगा करके बात करते रहते हैं, तो उनसे उनको भी थोड़ा ये देखते अभी जैसे कि, और उन लोगों को मैं तो कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप लोग कभी चलाते वक्त आप इस तरह का कुछ गैजेट ले लें क्योंकि चलते चलते भी आप बात कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप बात ट्राई करो तो बेटर है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि ध्यान में भटक जाता है, और आपके आप लोग की समझ आ रही है इतना ध्यान देना है कुछ भी नहीं है। बाकी यार देखते हैं पार्क का
तो लगता है यही वो पार्क है। तो पार्क है यही, अभी बंद लग रहा है, कुछ देखते हैं अभी। मेक श्योर कि जब भी आप क्रॉस करें तो बाइक वाइक देख लें, गाड़ी तो नहीं आ रहा था, पूछना पड़ेगा, देखते हैं पहले, पूछते हैं क्या है। सर बंद है क्या? सर कब खुलेगा? देखिए अभी तो लिखा हुआ है बैनर पर 21 तारीख के। अच्छा अच्छा 21, मतलब हर जगह हाँ, लेकिन अभी 21 से बढ़ भी सकता है। हाँ नहीं, सासाराम भी गया तो सासाराम भी बंद था, सब बंद है, पार्क सब बंद है। अच्छा बढ़ भी सकता मतलब है ना, सकता है बढ़ेगा अभी। अच्छा तो मान लीजिए अगर यहाँ खुल जाता है तो जितना भी बिहार में हर जगह खुल जाएगा, क्योंकि नोटिस खुल जाएगा तो हर एक जगह खुल जाएगा। अच्छा ताकि सब एक साथ ही खुलेगा। हाँ क्योंकि वहाँ भी नोटिस देखे थे, जब आदेश आएगा ना इसके बाद ही खुलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, अभी पूछना था थोड़ा। ठीक है सर, उसके बाद बंद है अभी 21 तारीख के बाद, 21 तारीख के बाद, 21 तारीख के बाद हाँ चांसेस से खुल जाए। और भी डेट आगे बढ़े, वहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए डेट नहीं दिया हुआ है सर। नहीं नहीं, बाहर में एक ले, बाहर में एक लगवा दीजिए, इधर कुछ लिखा हुआ नहीं है। नहीं डेट नहीं लिखा हुआ है, अब कब खुलेगा, अगले आदेश आदेश आएगा। हाँ नहीं जैसे कि बाहर में कुछ देख लेगा तो सही है ना, चिपका दीजिए कागज मतलब इधर, बाकी सही है। ठीक है थोड़ा गाइस, अभी तो बंद है यार ये पार्क 21 तारीख, फर्दर नोटिस निकलने तक ये बंद रखा गया। जैसा मुझे लग ही रहा था कि बंद होगा और सच में बंद है, तो अभी तो कुछ वैसा कुछ दिखा भी नहीं सकते हैं आप लोगों को, बाकी टूर ही करा सकते हैं आपका अभी। तो अभी वापस से हम लोग चलेंगे चौक की तरफ।